अल्लाह, इतना डिप्रेसिंग माहौल था, मेरे तो सर में दर्द हो गया। बुरी बात है मर्श, ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कह रही हूँ, देखा था कितनी वीरानी थी, और सबसे ज्यादा वहशत तो मुझे उस पागल लड़की से आ रही थी। वो पागल नहीं है मुश्क, ये अल्लाह की मर्जी होती है कि वो किसी को कैसे पैदा कर दे। सच्ची बात है, मुझे तो इस्माइल मियां पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा भी कि आप चंदनों के लिए बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दिया करें, दिल भी बहल जाएगा और ध्यान भी बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों को खुद से निपटा कर रोने लगे कि राय मापा, अब यही तो मेरे जीने का सहारा। दिल कट रहा था मेरा देखकर। और फिर अम्मी जी, कब तक इस्माइल भाई अपने बच्चों को दूसरों के पास छोड़ेंगे? और फिर उनकी बहन, उसके लिए तो उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। कैसा इंतजाम? यही दूसरी शादी। इस्माइल भाई से कौन करेगा दूसरी शादी? क्यों नहीं करेगा, उनमें बुराई क्या है, अच्छे खासे तो हैं, उम्र भी इतनी नहीं है उनकी, पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है, कोई भी औरत उनसे शादी कर सकती है, क्यों अम्मी जी? ठीक कह रही हो अम्मा, वाकई इस्माइल मियाँ की कोई इतनी उम्र तो नहीं है, अक्सर मर्दों की थी इसी उम्र में पहली शादी होती है। तो ठीक है अम्मी जी, लेकिन मैं तो उनके बच्चों की वजह से, और वो जो बहन है आपको पता ही है वो कैसी है, उन लोगों की वजह से कौन करेगी उनसे शादी, कौन रहेगा उस घर में? होती है बेटा, अपनी अपनी किस्मत लेकर आती है। कोई बेवा हो जाती है, कोई तलाक याफ्ता होती है, और कईयों की शादियां नहीं होती तो बैठे बैठे उम्र निकल जाती है। इस्माइल मियां की उम्र की मुनासिबत से लड़की मिल जाएगी, हम ढूंढ लेंगे, ढूंढने में क्या बुराई है? कितने मैसेजेस आ रहे हैं, मुश्क, मुझे लगता है कि अब तुम मिर्तजा भाई से बोलो कि वो अपने घर वालों को यहाँ भेज दें। देखो ये मामला ना ज्यादा अरसे नहीं चलते हैं, और फिर तुम मिर्तजा भाई की हर बात को लेकर इतनी संजीदा हो जाती हो, मुझे डर लगने लग जाता है। Thank you.
सहबा को देखा है? कॉलेज नहीं आई वहाँ? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, हैरत है, इतने दिन से कॉलेज कॉलेज पता नहीं क्यों। हाय। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है सहबा कॉलेज क्यों नहीं आ रही? खैरियत तो है, अल्लाह करे सब ठीक हो। बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होगा, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बल्कि जहां से गुजरती है शोर डाल देती है। मैं ये बात नहीं कर रही थी, मैं उसकी तबीयत की बात कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो खैरियत से हो। सहबा को छोड़ो ना यार, हाउ वाज द पार्टी और मेरे घर आकर कैसा लगा था? जी सब सब अच्छा था। और इर्तिजा से मिलना कैसा लगा? देखो अगर तुम फिर से उससे मिलना चाहो तो मेरा घर हाजिर है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। लेकिन एक एंगल है, उससे पहले एक बार मुझसे मेरे घर आकर मिलना।